नए ट्विटर के मालिक बने एलन मस्क ने ऐलान किया है कि वे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से बैन को हटा देंगे। मीडिया से बातचीत में मस्क ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर बैन करने का निर्णय नैतिक रूप से एक बार बुरा फैसला था। गौरतलब है कि बीते साल अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई थी। इसके लिए ट्रंप समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके बाद ट्विटर सहित कई कंपनियों ने ट्रंप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया था। अब एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ट्रंप के अकाउंट से बैन हटाने की मांग की जा रही है। ट्रंप से बीते वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद दो ट्वीट किए थे। एक में उन्होंने हिंसा करने वाले अपने समर्थकों को क्रांतिकारी बताया तो दूसरे बयान में उन्होंने कहा था कि वो 20 जनवरी को होने वाले प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन बाइडेन के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें इन दो ट्वीट के कुछ ही मिनट बाद ट्रंप के अकाउंट के ट्वीट दिखने बंद हो गए। इसके बाद अकाउंट सस्पेंड का मैसेज दिखाई देने लगा। ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पर 8.8 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स थे। बाद में ट्रंप ने ट्रुथ नाम से खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया था। ट्रंप को ट्विटर के अलावा फेसबुक या यूट्यूब ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।